Assalamu alaikum everybody, this is me Umar Bilal Ahmed, Pakistan's first fitness consultant and the one who has consulted more than 20,000 plus people in the last 5 years. Welcome to our brand new series of reviewing the gyms all over Pakistan. और अपना review series का जो आगाज करेंगे वो इस्लामाबाद के सफा गोल्ड मॉल में जो सफा फिटनेस क्लब है उस जिम से review series का हम अपना आगाज करेंगे. एंड आई एम थैंकफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ सफा फिटनेस क्लब कि उन्होंने हमें यहाँ इन्वाइट किया और हम ये review series कर रहे हैं. मेरे साथ सफा फिटनेस क्लब के बड़े ही जबरदस्त enthusiastic और powerful किस्म के हल्क ट्रेनर मौजूद हैं जिनका नाम है निसार और ये यहाँ के प्रो ट्रेनर हैं. निसार आज हमारे साथ होंगे. निसार सबसे पहले हम रिव्यू वीडियो अपनी स्टार्ट करें, आपके जिम को रिव्यू करें विच इज़ पाकिस्तान फर्स्ट एंड प्रोबेबली द नंबर वन जिम इन पाकिस्तान विद ऑल दीज फैसिलिटीज अंडर वन रूफ. सो अपना नाम पूरा बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं, फिर हम आपके साथ चल के आपके जिम को विजिट करते हैं, रिव्यू करें. आई एम निसार संधू, सफा फिटनेस क्लब. बिल्कुल ठीक है. कंटिन्यूस. कितने अरसे से निसार भाई आप यहाँ पर हैं इनके साथ? यहाँ पे वैसे मुझे स्वीडन में तो 20 हो गया लेकिन यहाँ पे मुझे 1 ईयर हो गया. एक वन ईयर इनको सफा फिटनेस क्लब के साथ हो गया और 20+ ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है. सो निसार भाई आपके पीछे पीछे हम चल रहे हैं, मुझे आप बताएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज है और यहीं से आप स्टार्ट करें. ऑल ओवर टू यू, आप हमें एक्सप्लेन करें कि क्या सिलसिला है आपके. इस तरीके के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे आते हैं. ठीक है, हमारे क्लाइंट्स आते हैं, यहाँ हमारे पूरा स्टाफ होता है. ठीक है, मिलते हैं. ठीक, मिलने के बाद वो पूरा यानी कि यहाँ पे यानी उनको डेटा देते हैं, ब्रीफ आपको यहाँ पे करते हैं. ठीक है. सो ये आपकी रिसेप्शन डेस्क हो गई और जितने भी आपके जो एडमिशन्स वगैरह हैं और जो भी रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं. ठीक हो गया. और ये हमारा, ये जो हमारे इधर आप देख रहे हैं हमारे फ्रंट पे, ये वेटिंग एरियाज है, वेटिंग एरिया है. अब हम आगे बढ़ेंगे. हम यहाँ पे सिस्टम होता है हमारा यहाँ पे. ठीक है, ठीक है, ओपन हो जाता है. बिल्कुल ठीक है. सो क्लाइंट्स यहाँ पे एडमिशन के बाद रजिस्टर हो जाते हैं. आपने फिंगरप्रिंट के थ्रू आपने एक्सेस लेना है और अपनी अटेंडेंस मार्क भी हो जाएगी और फिर आप यू कैन कम ओवर इनसाइड. ठीक है. सो हम जिम के एक कोने से दूसरे कोने का रिव्यू करेंगे. सो निसार भाई सबसे पहले हम कहाँ जाने वाले हैं? जी हम VIP लॉकर्स में जाएंगे अभी. ठीक है. सो सबसे पहले हम VIP लॉकर्स में चलते हैं क्योंकि डेफिनेटली आपको लॉकर्स की तो जरूरत पड़ेगी. So this is our VIP lockers area. Looks VIP also. और perfect, perfect. So यहाँ पे हमारे पास कितनी कैपेसिटी है? तकरीबन मेरे ख्याल में 100 के करीब तो लॉकर्स नजर आ रहे हैं. बिल्कुल VIP लॉकर्स में. बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. सो 100 के करीब हमारे यहाँ लॉकर्स हैं. यहाँ पे चेंजिंग रूम भी बना हुआ है. सो चले निसार भाई अब आगे चलते हैं और क्या क्या हमारे पास फैसिलिटी शुरू हो रही है. इसके बाद ये हमारा प्रोटीन बार है. प्रोटीन बार वेरी वेल फर्निश्ड यार, ब्यूटीफुली डिजाइन. ये है हमारा प्रोटीन बार. प्रोटीन बार. सो गाइस जितने भी लोग हमें फॉलो करते हैं उन्हें मालूम है कि आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन की कितनी खास वैल्यू है. सो परफेक्टली डिजाइंड प्रोटीन बार इनका और परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. सो ये आपका बना हुआ है. उसके बाद ये हमें कौन सी जगह नजर आ रही है? किचन एरिया से जाते हैं. ठीक है. इसके बाद हम जाएंगे लॉकर में. अच्छा, ये पब्लिक लॉकर्स है, जेंट्स लॉकर्स रूम है जो हमारे VIP नहीं है. VIP नहीं. ठीक हो गया. सो VIP कौन से क्लाइंट्स हैं और ये क्या VIP मेंबरशिप लेनी पड़ती है या क्या? मेंबरशिप उसके अलग से कोई मेंबरशिप होती है, इसकी थोड़ी सी पे होती है. ठीक है. ऑलरेडी वो आप कीज आपके पास रहती है, इसकी कीज हमें रिसीव करनी पड़ती है, दोबारा ड्रॉप करनी पड़ती है. ठीक है. तो VIP लॉकर्स अगर आप लेंगे तो उसकी डेफिनेटली जाहिर है VIP बनने के लिए आपको कुछ फीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है. उसकी कीज आपके पास रहेंगी VIP लॉकर्स की. सो दैट इज गोइंग टू बी योर लॉकर परमानेंटली. लेकिन ये इन जनरल लॉकर्स, इसकी कीज आप जब आएंगे जिम तो कीज आपको इसकी बाहर से मिल जाएंगी, आप इन लॉकर्स को इस्तेमाल करेंगे. परफेक्ट हो गया. और यहाँ पे हमारा क्या है एरिया? ये हमारे अग्री वॉशरूम और शावर. ओके. सो अब हम वॉशरूम्स और शावर एरिया में जाने लगे. ठीक है यार, मुझे तो लग रहा है मैं किसी होटल में आ गया 5 स्टार में. है जी. सो बिल्कुल 5 स्टार लुक हमने दिया हुआ है अपने इस सफा फिटनेस क्लब के वॉशरूम का और शावर एरिया का. ये हमारा ब्यूटीफुली डिजाइंड एरिया है. अच्छा जी, ये भी हो गया. हम अपना स्टीम की तरफ चलते हैं. अच्छा, स्टीम और सोना फैसिलिटी भी आपकी इसी. अच्छा, बिल्कुल साइड्स पे आती है. अच्छा, अमूमन मैं आपको ये बात बताऊं कि स्टीम एंड सोना फैसिलिटीज जो है वो पाकिस्तान में अमूमन जो है वो अच्छे जिम्स में भी नहीं है. जो टॉप नॉच जिम्स हैं हमारे पास दूसरे शहरों में, अंडर वन रूफ तमाम फैसिलिटीज नहीं होती. खास बात ही सफा फिटनेस क्लब की यही है कि आपको अंडर वन रूफ तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी. इसी एरिया में इनका जो है स्टीम और सोना बाथ फैसिलिटी भी है. ठीक हो गया. सुहाना हमारा. सो
गाइज दिस इज द सोना रूम, ठीक हो गया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्टली डिजाइन। अच्छा जी, और इसके साथ स्टीम है जी, ये स्टीम बाथ भी बना हुआ है। स्टीम बाथ में हम अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा फिर कैमरा जो है वो सही रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे फिजियोथेरेपी और स्पा मसाज रूम भी नजर आ रहा है। ये बिल्कुल है यहाँ पे, परफेक्ट। और ये इधर के शावर एरिया है, ठीक है। तो सोना और स्टीम बाथ लेने के बाद अगर आप जो है या स्पा मसाज या फिजियोथेरेपी लेने के बाद आप शावर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और मेरे राइट साइड पे आपको लेडीज लॉकर्स रूम भी नजर आ रहा है। अच्छा, लेडीज का भी यही स्टीम सोना फैसिलिटी है या फिर वो मुख्तलिफ होती है? अच्छा, तो वो को कर रहे होते हैं या फिर को डैम भी है हमारे पास, सेपरेट डैम भी है लेडीज का। Okay. जैसे भी हमारी ओपनिंग जिम की टाइमिंग 7 से 11 है, परफेक्ट। उसके बाद सो मतलब को भी है, मर्द हजरात और खवातीन हजरात आपस में भी स्टीम सोना फैसिलिटी ले सकते हैं और यकीन सेपरेट भी ले सकते हैं। सो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो है वो स्टीम सोना किस तरह से लेना चाहते हैं। सो अभी हम टावल काउंटर पे जाएंगे जी। अच्छा, अब हम टावल काउंटर पे जा रहे हैं। सो टावल काउंटर पे यकीनन आप पहले टावल काउंटर से टावल लेके फिर अंदर जाएंगे, ऐसे ही है जी? जी। अच्छा, तो जो लॉकर्स हमने अंदर देखे थे उनकी कीज भी यहीं से हमें मिल गई, परफेक्ट। सो जो लॉकर्स हम लोगों ने अभी इनसाइड देखे हैं उनकी कीज आपको यहीं से मिलती हैं। सो बड़ी, आपका क्या हाल है? फर्स्ट क्लास, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट यार, वेरी नाइस जेंटलमैन काइंड ऑफ टीम इनके पास जो है। मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे रहा हूँ, आपको पता है कि मैं बिल्कुल आसरा नहीं करता हूँ, बिल्कुल क्लियर बात करता हूँ। सो नाइस मीटिंग यू बड़ी, नाइस मीटिंग यू। और ये टावल एरिया बड़ा खूबसूरती के साथ यहाँ पे, तो ये वॉशिंग का क्या निज़ाम रहता है इसका, थोड़ा सा आप बताइएगा। दिल्ली के वॉश होते हैं, हमारी खुद की मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है, खुद हम करते हैं, तो हमने उसके लिए 2-3 लड़के रखे हुए हैं, ठीक है, दिल्ली के वॉश करते हैं, दिल्ली के वॉश, परफेक्ट। सो गाइज ये डेली के वॉश होते हैं और डेली के डेफिनेटली, क्योंकि हाई हेल्थ और हाइजीन का नंबर वन जिम के अंदर जो पाकिस्तान का है भाई इस्लामाबाद में, ये हमारा पूल है, परफेक्ट। सो पूल के साथ दिस इज अ वेरी स्पेशल एरिया, स्विमिंग पूल आपको अंडर वन फैसिलिटी क्लोज टू इम्पॉसिबल है पाकिस्तान में मिलना। दिस इज व्हाई दिस जिम इज कंसीडर्ड टू बी द नंबर वन फैसिलिटी इन पाकिस्तान, बिकॉज यू हैव गॉट द स्विमिंग पूल फैसिलिटी अंडर वन रूफ आल्सो। पूल के साथ ही हमारा लॉकर रूम लेडीज आता है, लेकिन उसमें हम अभी जा नहीं सकते। नहीं नहीं, लेडीज लॉकर रूम में हमारा जाने का काम क्या है, हम लेडीज लॉकर रूम में तो डेफिनेटली हम लोग ने नहीं जाना। सो गाइज कम ओवर, दिस इज आवर स्विमिंग पूल एरिया। और ये हमारा पूल एरिया है, प्लीज वन मिनट। सो बस अब हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं चाहूँगा कि बस आप यहीं से थोड़ा सा दिखा दें, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट्स भी हैं और सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। सो निसार भाई, आई बिलीव हम यहाँ से भाग के जिम एरिया में आ जाना चाहिए। सो ये मुझे जो है पर्सनली जिम्स के अंदर जो शीशे की कमी है वो बड़ी अक्सर महसूस होती है, लेकिन इस जिम में इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया है, चारों तरफ शीशे ही शीशे हैं कि आपको अच्छी सी लाइट में अपनी पंप हुई हुई बॉडी अच्छी नज़र आए। मैंने एक्सरसाइज नहीं की हुई अभी, तो मैं पंप नहीं हूँ, निसार भाई एक्सरसाइज करके बाहर निकले तो पंप है अभी। सो ये हमारा सीटिंग एरिया जी, कॉल डोर में हमने सेटिंग सी की है सारी, सब ठीक है। सो ये हमारा सीटिंग एरिया आ गया, ये कॉरिडोर बड़ा जबरदस्त कॉरिडोर यार, मेरे ख्याल में जो कराची के टॉप नॉच जिम है, हम तो खुद कराची में होते हैं, मैं कहता हूँ कि कराची के टॉप नॉच जो जिम है वो 3-4 आ जाएंगे आपके, इतनी बड़ी फैसिलिटी है। ये साथ हमारा जीएक्स रूम है जी। ये कौन सा रूम है? जीएक्स रूम, यहाँ पे हम एंटर होते हैं। सो गाइस यहाँ पे म्यूजिक ऑन है और यहाँ पे एक्सरसाइज चल रही है। यहाँ पे हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती है, जैसे की हो गई, डिफरेंट डिफरेंट जुम्बा की क्लास हो गई, योगा हो गई, बिल्कुल। सो गाइस यहाँ पे आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है, बड़ा अच्छा ये एरिया बना हुआ है और परफेक्ट। मेरे क्लाइंट रह चुके हैं, देखे जी, ये प्लान नहीं है, मेरे क्लाइंट मुझे यहाँ मिल गए बड़ी। अब अभी हम रिव्यू वीडियो कर रहे हैं सफा फिटनेस क्लब की, इसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी करते हैं। नाइस मीटिंग यू। सो इट इज गुड टू सी माई क्लाइंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान जब हम विजिट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये बड़ा खूबसूरत एरिया एक और आ गया, कार्डियो सेक्शन। अमूमन जिम्स में आपको 1-2 कार्डियो मशीन भी नजर आएंगी, यहाँ तो लातादाद आपको मशीन नजर आ रही है। सो कितनी होंगी तकरीबन? स्नूकर भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे जो है टेबल टेनिस भी कर सकते हैं, ठीक हो गया जी।
और हमारे पास पूरी मशीन पूरी बॉडी की पड़ी है डिफरेंट। अब आप गौर से देखते जाएं, एक एक मशीन को अगर हमने कवर किया तो मेरे ख्याल में सुबह तक हम मशीन को एक्सप्लेन करते रहे कि आप लोग इन जनरल तकरीबन तमाम मशीन यहाँ पे हर मसल ग्रुप के लिए अवेलेबल है, ऑटोमेटिक से लेके मैनुअल से लेके डंबल्स फ्री वेट्स परफेक्ट। और सबसे खूबसूरत बात के चारों तरफ सराउंडिंग है मरगला के पहाड़ों की, ऐसे ही है जी। बिल्कुल सामने बादशाह मस्जिद नजर आ रही है, देखे सामने कॉर्नर में सामने आपको बादशाही मॉस्क भी नजर आ रही है और ये हमारा लेग्स एरिया जी सारा। ठीक है जी, लोअर लेग्स एरिया जो अक्सर वीक होता है, हमारा भी शुरू में वीक था जब हमने नई नई एक्सरसाइज स्टार्ट की, हमें नहीं गाइडेंस थी तो लेग्स हम भी नहीं लगाते थे, फिर जब हमें नॉलेज हुई। सो दिस इज बाय फार द मोस्ट अंडररेटेड एरिया इन एनी जिम लेग्स का। सो काफ़ी सारी मशीन्स इधर नज़र आ रही हैं, परफेक्ट। मेरे ख्याल में दूर दूर से ही देखते हैं। और निसार भाई उस तरफ फ्री वेट एरिया जी हमारा सारा। ठीक है, सो गाइस फ्री वेट एरिया जो है हमें वहाँ नज़र आ रहा है, मतलब डंबल्स भी काफी सारे नजर आ रहे हैं इधर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये आपको सेंटोरस की बिल्डिंग भी यहाँ से नजर आ रही है, मरगला के पहाड़ भी नजर आ रहे हैं और चारों तरफ शीशे लगे हैं तो आप अपने आप को भी देख सकते हैं। सो ये भी कोई एक खास एक और रूम भी नजर आ रहा है यार, एक के बाद एक रूम आ रहा है, क्या क्या मजेदार बात है। अब ये कौन सी जगह है? ये भी हमारा जिम्बा क्लासेस होती है यहाँ पे। अच्छा ठीक हो गया, परफेक्ट। मतलब यहाँ पे भी क्लासेस होती है, जिम्बा के योगा वगैरह हो गया सारा मिक्सअप। सही 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 सही। इसके पीछे भी रूम है ये? ये अब ये फिर हमारे ऑफिस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, पीछे इसके ऑफिस स्पेस आ गई। अब मुझे आप जो है वो एक दफ़ा अपने प्रोटीन बार वाले एरिया में लेके चले। और गाइस वंडरफुल फैसिलिटी, इनफैक्ट ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल, फिजियो से लेके सोना फैसिलिटी से लेके स्टीम बाथ, स्विमिंग पूल, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, एवरीथिंग इज अवेलेबल आई बिलीव। सो किसी चीज़ की कमी नहीं है कि हम ये कहें कि यार ये फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। ट्रेनर्स भी हैं, यानी कि 2022 हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेनर है जिसमें लेडीज जेंट्स दोनों। तो 20 से 22 25 इनके पास ऑफिशियल प्रोफेशनल ट्रेनर्स भी हैं जो यहाँ पे क्लाइंट्स को हेल्प आउट करते हैं विद देयर एक्सरसाइजेस एंड एवरीथिंग व्हिच इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, क्योंकि बगैर गाइडेंस के अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर गड़बड़ी होगी और उस गड़बड़ को हमने अवॉइड करना है और इंजरीज को अवॉइड करना है। सो ब्यूटीफुल कॉरिडोर, ब्यूटीफुल कॉरिडोर। और अब हमने जहाँ से अपना रिव्यू वीडियो स्टार्ट किया हम वहीं जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, जो यहाँ मैनेजमेंट को हेड कर रहे हैं खुर्रम साहब, उनसे भी हमारी अगर बातचीत हो जाए। अच्छा ये अच्छा जी, सो वो प्रोटीन बार था ये मेरे ख्याल में फ्रेश जूस बार। सो यू गॉट फ्रेश जूस बार्स बार अवेलेबल हियर, परफेक्ट। पीज भी है और आपके पास यहाँ पे आपको सभी कुछ नज़र आ रहा है, सेब भी हो गए, मैंगोज भी हो गए, ग्रेपफ्रूट भी हो गया जी। इसके बाद हमारे पास प्रोटीन शॉप भी हमने रखी है साथ। अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट्स बाय करने के लिए? जी जी बिल्कुल, ठीक हो गया। सो मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन। सो गाइस इफ यू आर इनटू सप्लीमेंट्स, इफ यू आर इनटू बाइंग ऑल दीज प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जो हमने आपको गाइडेंस दी हुई है उस हिसाब से आप अपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं, विच इज अगेन अनदर गुड साइट के हर चीज़ अंडर वन रूफ अवेलेबल है। अदरवाइज ये होता है कि स्विमिंग करने कहीं जाना है, सोना करने कहीं जाना है, स्टीम करने कहीं जाना है, फिजियोथेरेपी कराने के लिए कहीं जाना है, प्रोटीन प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए कहीं जाना है, सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए। सो ऑल इन ऑल तमाम चीज़ें हमारे पास अंडर वन रूफ अवेलेबल। हम अपने जीएम से मिलवाते हैं, जो खुर्रम साहब नाम है इनका, जीएम जीएम से जीएम। सो जनरल मैनेजर खुर्रम साहब से हम मिलने के लिए जा रहे हैं और उनसे कोशिश करते हैं कि आप उनसे भी थोड़ी सी गपशप। थैंक यू सबसे पहले कि आपने हमें मौका दिया, इजाज़त दी कि हम आपके जिम को रिव्यू कर सकें और निसार ने हमें बड़ा अच्छा एंटरटेन किया। कैसा लगा आपको जिम सबसे पहले? यार मैं तो ऑनेस्ट फीडबैक देता हूँ और ऑनेस्ट फीडबैक ये है कि अंडर वन रूफ फैसिलिटी पाकिस्तान में मेरे ख्याल में नहीं, नॉट बिकॉज के यार आपने मुझे इन्वाइट किया तो मैंने पम्प करना है, लेकिन अंडर वन रूफ फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, हम कराची में अगर आप बड़े क्लब्स में चले जाएं जैसे जिमखाना वगैरह चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको यही होता है कि स्विमिंग पूल यहाँ है तो फिर कार्डियो जोन वहाँ है तो फिर जिम वहाँ है, तो तमाम फैसिलिटीज। सो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल अंडर वन रूफ इज़ अ गुड साइट। आप बताएं कि कैसा रिस्पॉन्स है और कैसा चल रहा है और आप
सुनने वालों को क्या मैं थोड़ा सा देखने वालों को बताता चलूं कि ये दिस इज द लार्जेस्ट जीएम नॉट इन इस्लामाबाद इवन इन पाकिस्तान. बिल्कुल ठीक है. और सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्केल में बना हुआ है. बाकी आपने देखा है कि इसके 4D उसका 4D इसका पूरा बिल्कुल 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 इसके अंदर हमने नंबर ऑफ सर्विसेज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड. ठीक है. नहीं वो हमने देखा माशाल्लाह आपने फिजियोथेरेपी का भी और हमारे इसके अलावा आपने फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान जो बड़े ट्रॉफी भी इसके अंदर करवा रहे हैं. फिर अब आपने देखा है रिसेंटली हमने यहाँ पे सफा पाल के नाम से नहीं माशाल्लाह हमने देखा वेरी वेल फर्निश्ड वेरी वेल डिजाइन स्विमिंग पूल आपने देखा है स्टीम है जूजी है स्वान है. फिर हम बूट कैंप्स वगैरह कराते हैं योगा क्लासेस कराते हैं. डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे जो है लोग आते हैं. सो फीस फीस रेंज आप लोगों की कहाँ से स्टार्ट हो रही है मतलब क्या पैकेजेस हैं एडमिशन के और मंथली पैकेजेस अगर बताएं हमारे लिसनर्स को जो आते हैं. जी हमारे जो है एज पर द आपने देखा है जो फैसिलिटीज फैसिलिटीज के हवाले से तो 15,000 हमने इसकी रजिस्ट्रेशन रखी हुई है. 15,000 जीएमटी हमने इसमें फी रखी हुई मंथली मंथली की है. बड़ी रीजनेबल है. बिल्कुल ठीक है. दूसरा ये है कि हमारे पास जो मेन जो चीज़ है ये एक सफा गोल्ड मॉल है. मॉल एंटिटी मॉल एंटिटी के अंदर एक जिम है अपनी ऑनरशिप है. सेकंड ये कि अंडरग्राउंड बेसमेंट कार पार्किंग इशू नहीं होता क्योंकि अक्सर जो दूसरे जिम्स वगैरह हैं बिल्कुल ऐसे वहाँ पे कार पार्किंग का बहुत इशू है. एक सोफिस्टिकेटेड वे में आते हैं गाड़ी खड़ी करते हैं और एक लेफ्ट से सीधे ऊपर आते हैं. फिर दूसरा ये कि मॉल एंटिटी है तो लोग हमारे पास जो यहाँ पे डिफरेंट लोग आते हैं हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं डिप्लोमेटिक एरियाज के लोग आते हैं हमारे पास मिनिस्टर्स आते हैं सेलिब्रिटीज आते हैं क्रिकेटर्स आते हैं. यानी कि मकसद बिजनेसमैन आते हैं तो ऊपर फूड कोर्ट बना हुआ है नीचे शॉपिंग एरिया है फैमिलीज के साथ आते हैं उनके साथ जो लोग होते हैं वो अपना वर्कआउट कर रहे होते हैं ऊपर फिर जाके गैदरिंग कर रहे होते हैं फिर नीचे जैसे शॉपिंग वगैरह करनी होती है. फिर ये है कि F7 के अंदर है आपको पता है पॉश एरिया है. बिल्कुल ठीक है. फिर यहाँ पर हमारे पास फॉरनर्स बहुत आते हैं डिप्लोमेटिक एरियाज के लोग जो हैं बिल्कुल ठीक वो आते हैं फैसिलिटीज़ को इन्जॉय करते हैं. बाकी आपने अंदर देखा है कि हमने एक वॉकिंग ट्रैक भी बनाया है सफर स्टूडियो बनाया है इसमें बूट कैंप्स वगैरह बिल्कुल क्लासेस वगैरह. तो हमारे पास डिफरेंट अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि MMA चैंपियन भी आए हुए थे बाज बहुत हम रिसेंटली वो US की MMA फाइट के लिए अभी यहाँ ट्रेनिंग करके लिए अब वहाँ ब्रूस की वेरी रिनाउंड मूवीज़ में काम कर रहे हैं डिफरेंट हॉलीवुड की और बॉलीवुड वगैरह की पाकिस्तानी मूवी. बस तो पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में टॉप नॉच लोग ही आएंगे. सो खुर्रम भाई रिसेंटली वसीम अकरम साहब आए हैं आपको पता है वर्ल्ड रिनाउंड फेमस क्रिकेटर हैं. उन्होंने देखा है बहुत हैरान रहे कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अंदर भी इस मतलब इतना बड़ा. So guys, you, everybody who's listening to us, अगर आप इस्लामाबाद में तो I believe कि this is a $1 million opportunity आपके पास कि आप आएँ अपने favorite celebrities से मुलाकात भी आपकी हो जाएगी और under one roof आपको तमाम facilities मिलेंगी. Once again, खुर्रम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें time दिया हमें invite किया कि हम आपके जिम को review कर सकें. जजाकल्ला फिर हम जरूर आएंगे भाई. हम तो कभी कभार ही आते हैं इस्लामाबाद तो इंशाल्लाह बिल्कुल. जजाकल्ला थैंक यू सो मच. सो गाइज दिस वॉज इट. इट वॉज द फर्स्ट जिम रिव्यू वीडियो सीरीज जो हम अपनी स्टार्ट की हमने उसका हमने आगाज किया है पाकिस्तान के नंबर वन जिम से अंडर वन रूफ. हमारे पास तमाम फैसिलिटीज थी आप सब ने गो थ्रू किया एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक भी करें शेयर भी करें सब्सक्राइब भी करें और सफ़ा गोल्ड मॉल के सफ़ा फिटनेस क्लब को ज्वाइन करना यकीनन ना भूलें. इनके पेज को इंस्टाग्राम को यूट्यूब को और हमें अपनी खास दुआ में याद रखें. अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट उमर बिलाल अहमद को और पाकिस्तान के पहले फिटनेस कंसल्टेंट को इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.